हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो नागौर पशु मंडी 2023 जो आज से लगना शुरू हो चुकी है और ऊंट भी आना शुरू हो चुके हैं। कल से मेला फुल भरने को शुरू हो जाएगा। यही ऊंट फुल मात्रा में आना शुरू हो चुके हैं। इस साइड में ऊँटों का है और उस साइड में आपको घोड़े भी देखने को मिल सकते हैं। दो ग्राउंड बना रखे हैं, एक ऊँटों का है और एक घोड़ों का। इस मेले में बैल भी आते हैं, ऊँट भी और घोड़े तो है ही। देखिए ये भी स्टार्ट ही हुआ है कि हालांकि आप देख सकते हो कि पूरा ग्राउंड धीरे 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 बनना शुरू हो चुका है और देखिए वो नागौरी बैल भी आ चुके हैं। तो आपको दिखाने की पूरा कोशिश करते हैं कि नागौर मेला 2023 और ये कुछ दिनों बाद ये पूरा का पूरा ग्राउंड भर जाएगा। अभी तो ये स्टार्ट हुआ, आज से स्टार्ट हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये भी धीरे 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 बनना शुरू हो रहा है। देखिए ऊंट ही ऊंट आ चुके हैं और ये सब सेल के लिए ऊंट आए थे अपने अपने गांव से, या जैसलमेर से हैं, कुछ बाड़मेर से हैं, कुछ जालौर से हैं। देखिए आपको घोड़ा का ग्राउंड दिखाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए इस उस साइड में ऊँटों के है, इस साइड में नागौरी बैल और घोड़ों का टेंट लगते हैं। ये देखिए नागौरी बैल भी आना शुरू हो चुके हैं। और घोड़े भी आ रहे हैं धीरे धीरे। देखिए एक नुकरा बच्चा है, बच्ची भी छोटी सी, ये भी आए हैं। यह है छोटा सा बच्ची है, ये नुकरा बच्चा है। ये भी देखो घोड़ा है, या इस सिंधी में है। देखिए नागौरी बैल भी ग्राउंड में धीरे 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 फुल हो रहे हैं। देखिए ये नागौरी बैल जो नागौर में प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध नागौरी बैल में यही मेला लक्ष्मी नाम से लगता है मेला, और यही ये खेती में काम आने वाले नागौरी बैल। इन बैल के मुकाबले कोई राजस्थान में क्या पूरी इंडिया में कोई बैल नहीं हो सकते, क्योंकि ये खेती में सबसे ये ज़्यादा काम किए जाते हैं और ये मजबूत रहते हैं। देखिए बड़े बैल भी आना शुरू हो गए हैं अलग अलग से। देखिए ये भी घोड़ा है, ये घोड़ी भी आना शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। एक दो दिन में सब जानवर फुल भर जाएंगे। और देखिए ये एक और नागौर का प्रसिद्ध मेला 2023। देखिए इस साइड में घोड़े कुछ दिनों बाद ही पूरा घोड़े से ग्राउंड भर जाएगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, बताएंगे आपको कितने घोड़े हैं, कितने जानवर, क्या कुछ आए हैं।